गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम। वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। मैं सुबह में अयोध्या उत्तर प्रदेश से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो फाइनली अभी हमें लता मंगेशकर चौक और लता मंगेशकर चौक से आप जैसे ही राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ेंगे और नए घाट से जो कि पुराना नाम बदल के लता मंगेशकर चौक हो गया, जैसे ही आप बढ़ेंगे तैसे आपको खूबसूरती के नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं गाइस। पूरे रास्ते पे, पूरे राम पथ पे आपको अलग ही दृश्य पूरा दिखने वाला है। जो ये लाइटें लगी हैं, लाइटें और बाकी ये देख सकते हैं गाइस की लाइटों के साथ साथ जो वाल की प्रिंटिंग हुई है वो सब, और बाकी सारे जो एक ही जैसे पूरे आपको देखने को मिलने वाले हैं पूरे अयोध्या में। ये पूरा आप देखें, मंदिर हो, बड़े हो, छोटे हो मंदिर, वो सब एक ही तर्ज पे देखने को मिलेंगे आपको। बाकी जो रोडे अगर आप अयोध्या के इस टाइम के देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो गई हैं पूरी रोडे, और ये 20 की जो लाइटें लगी हैं ये तो पूरा अलग ही व्यू आ रहा है गाइस। और साइड साइड से ये जो रेलिंग टाइप का पूरा लग रहा है, इन सब पे अगर आप देखेंगे तो अभी पूरा पेंट होना है तो अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलने वाला है। इस समय अयोध्या काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा है और काफ़ी हद तक काम कंप्लीट भी हुआ है अयोध्या में। और जैसा कि आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से आप जैसे ही एंट्री करेंगे तैसे एक जैसे पूरा 13 किलोमीटर यहाँ से लेके शहादतगंज तक है गाइस, तो वो पूरा आपको एक ही तरीके से पूरा देखने को मिलने वाला है। और बाकी जो दुकानों पे जो शटर वगैरह लगे हैं, उन शटर वगैरह पे जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो रामायण काल की घटनाएं हैं उनको दर्शित किया गया है। बाकी और जो तिलक है वो, बाकी जय श्री राम लिखा गया है वो, ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं जो शटर वगैरह लगा है उस पर। बाकी इलेक्ट्रिक बस चलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अब आराम हो गया सभी लोगों को, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस होने के कारण काफ़ी सुविधा आप दर्शन करने में मिलने वाले हैं सभी लोगों को, क्योंकि बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टैंड तक कहीं भी अगर आप हों तो दर्शन आप आसानी से कर सकते हैं इसके थ्रू। जैसा कि देख सकते हैं गाइस कि ये पूरा बस स्टैंड जो है वहाँ से लेके और अंदर तक पूरी बसें चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें। अब इलेक्ट्रिक स्कूटी भी शुरू हो गई है, और ये हनुमानगढ़ी का पूरा ये आप देख सकते हैं नज़ारा, जो कि हनुमानगढ़ी में आए दिन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा जाम देखने को मिलता था, लेकिन अब देखेंगे गाइस जाम नहीं आपको मिलने वाला है। और ये पूरा ये सीधे अगर आप जाएंगे तो हनुमानगढ़ी की तरफ पूरा रास्ता जाता है, और हनुमानगढ़ी साइड में देखते कितना भाई प्रशासन चेकिंग वगैरह करके तब भेज रहे हैं। बाकी इधर पूरा अगर आप देखेंगे गाइस एक ही जैसे आपको पूरा एक ही जैसे दिख रहा है। ये जैसा कि मैंने बताया जो शटर वगैरह बंद है उस पर आप देख सकते हैं कि जो राम मंदिर का व्यू है वो देखने को मिल रहा है। बाकी पताका, श्री राम, हनुमान जी का गदा, ये सब आपको देखने को मिल रहा है गाइस, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। और ये आगे हनुमानगढ़ी एक ही जैसे आपको पूरे रोड पे एक ही जैसे पूरा देखने को मिलने वाला। बाकी नियर अबाउट बहुत सारे होटल वगैरह सारी चीज़ें हैं, अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस 22 तारीख के बाद काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा अयोध्या आने पे। और ये पूरा देखेंगे इस एक ही तरीके से, और रोड की भी जो सफाई हुई है वो तो आप देख ही सकते हैं कि अयोध्या इस समय कितना ज़्यादा साफ और कितना भव्य आपको देखने को मिल रहा है। और ये पूरा देखेंगे आप तो इधर ही ये राम मंदिर एंट्री का जो गेट बन रहा है गाइस वो यही है। इधर से आप जो मेन एंट्री गेट बन रहा है राम मंदिर का वो ये, इधर से आप सीधे पूरा आप राम मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। जो मेन रास्ता राम मंदिर का बनाया जा रहा है यही है पूरा। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा
खूबसूरत यहीं से आपको देखने को मिल रहा है गेटी। और आने वाले टाइम में तो जब और भी पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वागत में ये गेट ही अलग ही व्यू दे रहे गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा किस तरीके से कितना ज़्यादा कड़ाके की ठंड है, तब भी भीड़ आपको देखने को मिल रहा है। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अयोध्या से डेवलपमेंट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूले, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सके। और आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो राम मंदिर के भी आने वाले हैं, इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये इलेक्ट्रिक बस गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय श्री राम।